और थिएटर भी वो जो कॉन्सिक्वेंस वाला थिएटर था, क्रिटिकल किस्म का थिएटर। आर्ट भी ज़िया के ज़माने के बाद उसका कम्प्लेक्शन बिल्कुल चेंज हो गया है, हमारा विजुअल आर्ट्स, इट हैज़ बिकम वेरी वेरी सेल्फ क्रिटिकल एंड देयर फॉर मोर मॉडर्न, मोर अपीलिंग टू द यू नो रेस्ट ऑफ द मोर ग्लैम एडिशंस। ठीक है, नॉट ग्लैम, मतलब इट हैज़ अ सब्सटेंस। ठीक है, उससे पहले एक कन्फॉर्मिटी सीकिंग आर्ट प्रोड्यूस हुआ करता था। कन्फॉर्मिटी फ्रॉम हू? फ्रॉम द वेस्ट या स्टेट ओरिएंटेड, मतलब स्टेट ने बहुत सारे आर्टिस्टों को नवाजा भी है, आई विल नॉट गो इनटू दैट डिटेल, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा था कि जो प्राइवेट इनिशिएटिव्स थे उन्होंने इतना काम किया है कि अब आर्ट एक्टिविटी जो है वो एक बहुत बेहतर स्केल पे पूरे पाकिस्तान में हो रही है। आर्ट, टॉकिंग अबाउट आर्ट एक्टिविटी, थिएटर को हमने देखा कि एक दौर ऐसा है कि इट वॉज यू नो वेरी मच इन द हाइप, उसके बाद इट वेंट इन टू द डिक्लाइन। आजकल फिर से थिएटर जो है इट्स कमिंग अप एंड टॉकिंग अबाउट इट, PNCA इज डूइंग अ लॉट ऑफ कंट्रीब्यूशंस, हैज मेड अ लॉट ऑफ कंट्रीब्यूशंस इन इस्लामाबाद, तो उसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इज इट सस्टेनिंग? इज इट गोइंग वेल? व्हाट इज द रिस्पांस ऑफ पीपल टुवर्ड्स द यू नो रिवाइवल ऑफ थिएटर? थिएटर का कोई गोल्डन पीरियड इस मुल्क में कभी भी नहीं रहा है, सिवाय ज़िया के दौर में जब थिएटर ऑफ रेजिस्टेंस शुरू हुआ, कि जिसमें वो तमाम लोग जिन्होंने जेन्युइनली फील किया कि इस आर्ट फॉर्म को एज अ व्हीकल ऑफ चेंज इस्तेमाल करना चाहिए, उन्होंने बहुत ही इंटेंस तरीके से वो काम किया। स्टेट ऑर्गेनाइजेशन जैसे PNCA या आर्ट्स काउंसिल्स वगैरह ने बहुत कम कंट्रीब्यूट किया है टू यू नो फील्ड ऑफ थिएटर। PNCA चूँकि नईम ताहिर यहाँ आते हैं, आखिर में आके उन्होंने ये एक फेस्टिवल किया एंड आई थॉट इट वाज अ गुड स्टेप, अच्छी खासी एक्टिविटी जनरेट हुई। इनको इस एक्टिविटी को सस्टेनेबल बनाना चाहिए कि वो चलती रहे, मतलब सिर्फ इस्लामाबाद में नहीं, कराची में, लाहौर में, क्वेटा में, पेशावर में, कि रीजनल थिएटर भी फ्लरिश करना लग जाए और इस तरह के मतलब इवेंट्स जो हैं वो हर साल प्लान हो और हर जगह प्लान हो, ताकि एक सस्टेनेबिलिटी इसमें आए। सो टॉकिंग अबाउट हुनर कदा अगेन, हम लोग अपनी डिस्कशन में वी वर नॉट एबल टू फोकस, आप लोगों ने इस्लामाबाद में इनिशिएटिव किया है जहाँ पे परहैप्स उस तरह से लोग परसू नहीं करते आर्ट की तरफ जिस तरह से बड़े शहरों में किया जाता है, जैसे लाहौर एंड कराची। सो इसका रिस्पांस क्या है अभी तक? रिस्पांस तो मतलब जब मैं यहाँ करना चाह रहा था, बल्कि जब क्वेटा में करना चाह रहा था, तो लोगों ने मुझे डिसवेड करने की कोशिश की कि वहाँ क्या है, कुछ भी नहीं है। बट दैट एक्चुअली वॉज द रीज़न दैट आई वॉन्टेड टू गो देयर। एक तो ये कि मेरा अपना शहर था, फिर ये कि मैं चाहता था कि मेरे शहर में एक्टिविटी हो। सही। और वहाँ वो चीज़ इस्टेब्लिश हो गई। अब क्वेटा से, बलूचिस्तान से बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट जो इंटरनेशनली भी नोन हैं और नेशनली भी ठीक ठाक वो रखते हैं, देव कामा। इसी तरह इस्लामाबाद जब मैं आया तो इस्लामाबाद भी टोटली डिप्लोमेटिक ऑफिशियल किस्म का वो था और सब ने इसी तरह फिर मुझे कहा कि यार यहाँ क्या करना है। एंड आई थॉट कि वो तमाम जगह जहाँ जो इन अ वे वर्जन हो, जहाँ कुछ ना हुआ, वहाँ कुछ करना ज़्यादा चैलेंजिंग काम है और ज़्यादा फॉर दैट मैटर ज़्यादा रिवॉर्डिंग भी है। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे आई हैव डराइव्ड इमेंस प्लेजर फ्रॉम द एक्टिविटीज़ ऑफ उन्होंने कदा 92 से लेके अब तक जितना भी हमने किया। ऑल्दो आई हैव हैड ह्यूज प्रॉब्लम्स ट्राइंग टू सस्टेन इट, अब तक ये कंसिडरेबल डेफिसिट के साथ चल रहा है, यानी इस तरह से कि मुझे बहुत कुछ और करना पड़ता है इन ऑर्डर टू सपोर्ट उनका कदा। एक्ट भी मैं करता हूँ, प्रोड्यूस भी करता हूँ, कमीशन प्रोजेक्ट्स वगैरह भी वो सारे के सारा इधर जाता है, लेकिन मैं इसको ज़िंदा रखना चाहता हूँ और एक ज़िद ये है कि उनका को मैं एक पॉइंट प्रूव करूँ कि ये हमारी ही सोसाइटी इसको सस्टेनेबल बना सकती है। सो वन इज़ ट्राइंग टू टर्न पीपल इनटू फ्रेंड्स ऑफ आर्ट
ये जब मैं करने के काबिल हो जाऊं तो आल से कि जी मैं कामयाब हो गया, लेकिन अब तक मुझे कोई गिला नहीं है, ना मैंने गवर्नमेंट से कुछ मांगा है ना किसी डोनर एजेंसी से कुछ मैं मांगता हूँ। जिद ये है कि अपने ही रिसोर्सेज पे सिलसिला चले। बेसिकली इट्स पार्टिसिपेशन दैट्स रिक्वायर्ड। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली सर, जब बात करते हैं कि अ ग्रुप ऑफ योर फ्रेंड्स वेंट एंड ऑडिशन, तो अभी आर यू इन टच विद एनी ऑफ देम, और अगर हैं तो डिड दे सक्सीड एज मच एज यू डिड? अनफॉर्चूनेटली नन ऑफ देम। Did they become doctors or? उनमें कुछ लोग ऐसे थे जिनकी वजह से मैं म्यूजिक में आया। वन ऑफ माई फ्रेंड्स अदनान नासिर, वो इवन जब स्कूल में थे तो ही कुड प्ले हारमोनियम वेरी वेल एंड ही हैड अ वेरी गुड वॉइस, सैगल की तरह, सी एच आत्मा की तरह डीप वॉइस, और गाता बहुत अच्छा था। लेकिन बस वो और कामों में पड़ गया एंड आई स्टिल थिंक कि वो कर सकता है। तो व्हेनेवर वी मीट हम याद करते हैं उन दिनों को बहुत फॉन्डली।